तो ये जीव शक्ति न तो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण की अंश है, ये जीवात्मा, और न तो माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की अंश है जीवात्मा। ये भी बताया गया कि माया शक्ति तो जड़ है, उसके अंश होने का प्रश्न नहीं, और पराशक्ति भगवान की पर्सनल पावर है। अगर हम उसकी शक्ति होते तो भगवान के सब गुणों से युक्त होते, अर्थात सच्चित आनंद स्वरूप होते, किंतु हम मायाबद्ध हैं, अनादि मायाबद्ध, और भगवान मायाधीश हैं। इसलिए पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है। तो भगवान की जो जीव शक्ति है परा और माया शक्ति के अतिरिक्त, उस जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं, शक्ति है। इसलिए हम न तो जड़ हैं और न तो स्वरूप शक्ति युक्त हैं, हम माया के अधीन हैं, और भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ विषयों में अभेद है, अधिक विषयों में भेद है। जैसे भगवान चेतन है, हम भी चेतन हैं, भगवान सनातन है, हम भी सनातन हैं, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है, हम अशक्त हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, भगवान ईश है, शासक है, हम शास्य हैं, भगवान प्रेरक है, हम प्रेरज हैं, भगवान धारक है, हम धार्यमान हैं, भगवान अंशी है, हम अंश हैं, भगवान एक होते हुए भी सर्वव्यापक है, हम अनंत जीव हैं, और केवल देह व्यापक है, अनंत भेद हैं। और यह भी बताया गया कि हम जीव अणु हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, और केवल हृदय में रह करके जिस शरीर में भी हम जाते हैं उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। आलोमभ्य आनखे व्या, वेद कहता है सिर से पैर तक उसके प्रत्येक अंग में, जैसे प्रकाश जिस कमरे में भी होता है पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, वो छोटा कमरा हो चाहे बड़ा कमरा हो,